मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां एक सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। राहत की बात यह है कि इस दौरान क्लास में कोई बच्चे नहीं थे। इस घटना के बाद बच्चों और टीचरों में डर का माहौल है। जानकारी के मुताबिक यह घटना ग्राम गिलाखेड़ी शासकीय प्राथमिक विद्यालय की है, जहां शनिवार को एक क्लास की छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। स्कूल में मौजूद शिक्षक तुरंत वहां पहुंचे। गनीमत रही कि प्लास्टर गिरने के दौरान क्लास में कोई बच्चा नहीं था, वरना बड़े हादसे को नकारा नहीं जा सकता था। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल जर्जर भवन में चल रहा है। 4-5 सालों से बारिश के दौरान यही हाल होता है, छत का प्लास्टर गिरने लगता है। वरिष्ठ अधिकारियों को भी कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन फिर भी मरम्मत नहीं करवाई जा रही। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिम्मेदारों को जल्द से जल्द मरम्मत करानी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा ना हो सके। इस घटना की जानकारी जब क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा को लगी, तो रविवार को गिलाखेड़ी के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। उन्होंने विद्यालय की छत का निरीक्षण किया और शिक्षा विभाग के डीसी राजेंद्र यादव से दूरभाष पर चर्चा की और शीघ्र ही उसके मरम्मत कराने के निर्देश दिए। सर, छत तो हर साल 4-5 साल से ऐसी टपक रही है। हम बच्चों को सामने वाला जो अतिरिक्त कक्ष में, उसमें हम बच्चों को बिठाते हैं, और हमने आवेदन भी कर चुके, शिक्षा विभाग में भी दिया है, और गांव के जो जनप्रतिनिधि और सबको, उनको भी हम सूचित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कितने साल पुरानी बिल्डिंग है? कुछ ये कम से कम 25-30 साल पुरानी है। एक भी बार रिपेयरिंग नहीं हुआ इस बिल्डिंग का। घटना कब की है? घटना कल रात की है सर। आज रात की मतलब? सर, आपका कौन से पद पे हो सर? सर, ये जो रात की घटना बताई जा रही है कि छत गिर गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सर, शासन के निर्देश अनुसार पद डलते हैं, उसके निर्देश में हमने सभी शिक्षकों को सूचित कर दिया, हम बच्चों को सुरक्षित स्थान पर हम बैठाना सुनिश्चित करते हैं, मतलब क्षतिग्रस्त भवन में बच्चों को नहीं बैठाना। फिर अभी शासन द्वारा कुछ मामला पता चला, क्या हो रहा है उसका? फाइल पहुंच चुकी है आज तक, संभवतः इसी सत्र में मरम्मत राशि अपने को मिल जाएगी। सर, आपने पहले भी स्कूल प्रबंधन से बात की है क्या इस छत की मरम्मत के लिए? जी, मरम्मत के लिए 3-4 बार आवेदन दे दिया, डीआरसी को भी दे दिया, और जो भी आता है उनसे यही कहते हैं कि मरम्मत बच्चे बिठाने लायक नहीं है, जर्जर हो रही है। स्कूल की पूरी छत ऐसी है आसपास से, आप देख सकते हैं ये पूरी, और भी सभी कमरों के यही हाल है, और आज रात अचानक बारिश तेज होने के कारण पूरी छत ढह गई। इसमें बच्चे नहीं थे, इसलिए बाल बाल बज रहे, यदि बच्चे होते तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।